अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और संडे गेमिंग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जिस गेम के बारे में बात करने वाले हैं वह एक सर्वाइवल गेम है, वह एक बैटल गेम है और वह एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसे आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। दोस्तों इस गेम का नाम है रूल्स ऑफ सर्वाइवल और यह गेम काफ़ी ज़बरदस्त गेम है, इसकी ग्राफिक्स भी काफ़ी लाजवाब है। दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने अपनी पहली एपिसोड बनाई थी संडे गेमिंग की तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक गेम के बारे में जिसका नाम था बैटल रॉयल। तो यह रूल्स ऑफ सर्वाइवल दोस्तों उसी डेवलपर के द्वारा बनाई गई है और हम कह सकते हैं कि यह जो गेम है बैटल रॉयल का एक इन्हांस्ड वर्जन गेम है जिसे खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, जिसकी ग्राफिक्स दोस्तों बैटल रॉयल से और भी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह गेम असल में है कैसा। दोस्तों यह गेम का रूल कुछ ऐसा है कि इसमें 120 लोग रहेंगे जो कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम एक दूसरे के साथ खेलेंगे और दोस्तों 120 लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और एक दूसरे को मारना है और जो लास्ट में बचेगा वही जीतेगा। दोस्तों आपको इसमें अलग अलग गेम मोड मिल जाती है। सबसे पहले सोलो मोड मिलता है जिसमें आप दोस्तों अकेले गेम खेल सकते हैं, यानी कि 120 लोग जो है कोई किसी का टीम नहीं होगा और कोई भी किसी को भी मार सकता है। उसके बाद ड्यूओ मोड मिल जाता है जिसमें दो दो लोगों की टीम बनेगी, तो 120 लोगों में 60 टीम बनेगी। उसके बाद दोस्तों स्क्वाड मोड मिलता है, स्क्वाड मोड में चार चार लोगों की टीम बनेगी, यानी कि 120 लोगों में 30 लोगों की टीम बनेगी। और उसके बाद दोस्तों और भी मिलता है इलाइट, लेकिन वो इलाइट मोड सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप टीम बना करके या सोलो मोड भी खेल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पिकअप्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको क्रोबार मिल जाता है या फिर दोस्तों आपको गन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पिकअप्स मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप इसमें लड़ सकते हैं और काफ़ी अच्छे से खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस गेम का जो कंट्रोल्स हैं वो तो बेहतरीन है ही, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स है। दोस्तों जंप कर सकते हैं, अपने वेपन्स को उठा सकते हैं, वेपन्स को छोड़ सकते हैं, बैकपैक में देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ भरी हुई है बैकपैक में, तो ये सब चीज़ें तो देख ही सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात है इसकी ग्राफिक्स। अगर आप इस गेम की ग्राफिक्स पर ध्यान देंगे तो आपको वाव लगेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इस गेम की ग्राफिक्स है। ऐसा ग्राफिक्स दोस्तों मैंने एंड्रॉयड फ़ोन पर पहली बार देखा है, इतना ज़बरदस्त ग्राफिक्स। अगर आप खेलेंगे और इसमें आपको ग्राफिक्स की सेटिंग मिल जाती है तो अगर आप फुल HD यानी कि दोस्तों पूरा का पूरा अल्ट्रा सेटिंग करके खेलेंगे तब आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों इसकी ग्राफिक्स देखने में। हालांकि मेरे Redmi Note 4 पे अल्ट्रा सेटिंग्स में हल्की हल्की कभी कभी लैग कर ही जा रही थी, तो इसलिए रिकमेंडेड है कि अगर आपके पास है Redmi Note 4 तो आप मीडियम सेटिंग्स में खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है दोस्तों बहुत ही अच्छा फ़ोन जिसमें स्नैपड्रैगन 835 के आसपास प्रोसेसर हो तो आप उसमें अल्ट्रा सेटिंग में खेल के देखिए, मज़ा आ जाएगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको अलग अलग व्हीकल्स मिल जाते हैं, आप कार्स चला सकते हैं, बाइक्स चला सकते हैं, आपको साइकिल भी मिलती है जिसे आप चला सकते हैं इस गेम में। हालांकि पिछले जो बैटल रॉयल थी उसमें आप बाइक का ऑप्शन नहीं था, उसमें सिर्फ दोस्तों कार तक का ऑप्शन था, लेकिन इसमें आप बाइक वगैरह भी चला सकते हैं। दोस्तों इस गेम का बस यही है कि आपको लास्ट में जो भी बचेगा वही जीतेगा। अब इसमें एक और गेम मोड मिल जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जॉम्बी मोड, और दोस्तों इसमें आप जॉम्बी बन करके खेल सकते हैं। तो आपको जॉम्बी बना करके हेलीकॉप्टर से फेंक दिया जाएगा, फिर आप लैंडिंग करेंगे दोस्तों जहां भी, और उसके बाद आपको लड़ाई करना है। जितने ज़्यादा जॉम्बीज को मारेंगे, आप खुद एक जॉम्बी हैं, और जितने ज़्यादा लोगों को मारेंगे या जॉम्बीज को मारेंगे आपको उतना ज़्यादा पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आसानी से कुछ जॉम्बीज को मार दिया, लेकिन दोस्तों यह गेम आसान नहीं है। अगर आप ये गेम खेलेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, और इतना आसान नहीं है इस गेम में सर्वाइव करना, क्योंकि ये जो गेम है दोस्तों काफ़ी ओपन वर्ल्ड गेम है, छिपने की ज़्यादा जगह नहीं है और आराम से दोस्तों आप कहीं से भी मारे जा सकते हैं अगर किसी के पास स्नाइपर वगैरह राइफल है। तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी हार्ड गेम है, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आता है इस गेम को खेलने में, और इस गेम को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस गेम की दोस्तों जो गेम प्ले है, ग्राफिक्स है, सब कुछ लाजवाब है और इस गेम को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार दे पाऊँगा। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आज आप लोगों को बताना था यह गेम के बारे में जिसका नाम है रूल्स ऑफ सर्वाइवल, और यह गेम दोस्तों 600 MB की गेम है। आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक ऑनलाइन गेम है, मल्टीप्लेयर गेम है और यह गेम ऑफलाइन नहीं चलेगी, तो आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।